इसका जो बिफोर का रिव्यू है वो चल रहा होगा, वो आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी की बुरी कंडीशन के साथ, एक बुरी कंडीशन थी इस गाड़ी की और काफ़ी हाई टच हुई थी ये गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी। हम पहले लेके गए ऑटो लेवल पे, तो उनकी बस कुछ डील हमें कुछ बातों में उनकी इंतजार था, ठीक है, तो हमने फिर उनसे, उन्होंने ये गाड़ी खोल ली थी, ठीक है, बम्पर शम्पर ये खोल लिया था, ठीक है, रात 9 बजे जो उनसे हमने गाड़ी वापस ले ली, ठीक। अच्छा, इसका ट्रंक ऑटो कर रहे हैं आप, तो इसके अंदर ऑटो ट्रंक मतलब कि पहले तो नहीं इंस्टॉल हो रहा था, ऑटो ट्रंक चलेगा इसके अंदर, मतलब सिग्नस के अंदर आप ऑटो ट्रंक चलाएंगे। ये हाई वर्जन टेस्ला 2023 वाला इंस्टॉल कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली अकबर, वेलकम टू हरमाटोस। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई काफी टाइम हो गया था, वर्कशॉप का एक टूर नहीं मैंने आपको दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक वर्कशॉप का टूर दे दें कि कौन कौन सी गाड़ियों का प्रोसेस कहां तक पहुंच चुका है और कुछ नई गाड़ियां अभी तक किस किस प्रोसेस तक आ चुकी हैं। तो मैं सबसे पहले तो बात करता हूं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक इस गाड़ी की इस टाइम की है, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है न्यू मॉडल में। बेसिकली अगर मैं इस गाड़ी की बात करूँ तो ये गाड़ी पहले किसी और इदारे में गई थी कन्वर्ट होने के लिए, वहाँ पर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, गाड़ी कम्प्लीटली डिसअसेंबल हो चुकी थी। उसके बाद कस्टमर ने ये फैसला किया, हमारी वर्कशॉप विज़िट की, उसके बाद हमारे काम की क्वालिटी को देखा। जैसा मैं हर वीडियो में अपनी यही बात करता हूँ कि पहले आप हमारी वर्कशॉप आएँ, हमारे काम की क्वालिटी को देखें, उसके बाद आपने फैसला करना है कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस गाड़ी की, तो ये गाड़ी बहुत ही डेंजरस लुक में इसकी कन्वर्जन की गई है, इसके अंदर लेग्जिस हेडलाइट ने इंस्टॉल कर दी गई हैं। अभी ये गाड़ी फाइनलाइज नहीं हुई, कंप्लीट कंपाउंड पॉलिश होनी है, अभी इसकी फिटिंग जो है वो अभी प्रोसेस भी है ये गाड़ी। तो इसमें इंटीरियर में भी हमने इसका इंटीरियर भी एक्सटीरियर के साथ साथ इसका हमने जो है इंटीरियर वो भी अपग्रेड किया है। कस्टमर ने देखा कि हमने अपनी जो गाड़ी हैं जिनके अंदर हमने एंड्रॉयड टेस्ला जो हम 2023 का लगा रहे हैं, कस्टमर ने अपनी 2010 मॉडल के अंदर भी वही 23 वाला जो है टेस्ला वो इसके अंदर इंस्टॉल करवाया। तो मैं इसके इंटीरियर में चलता हूँ, तो सबसे पहले इंटीरियर में मैं देखूँ तो GR का स्टीयरिंग इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया गया। उसके बाद इसके ऊपर ये हाई वर्जन टेस्ला 2023 वाला इंस्टॉल कर दिया गया। इसकी मैं फाइनल आपको दिखाऊंगा, अभी अभी काम इसका चल रहा है। इसकी ये साइड शील्ड्स ये कंप्लीट पोशिश होनी है, वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद सामने शील्ड चारों दरवाज़ों की इसकी जो शील्ड है साइड वाली वो कंप्लीट इसकी वो जो है उसकी पोशिश की जाएगी, सीट्स की पोशिश होगी इसकी। और इसके जो ट्रिम्स होते हैं इंटीरियर जो डोर ट्रिम्स होते हैं, हैंडल ट्रिम होते हैं, उनको भी पेंट किया जा रहा है। बैक लाइट्स इसके अंदर इंस्टॉल हो गई हैं, अलॉय रिम्स इसके अंदर हमने न्यू मॉडल के इंस्टॉल की हैं। काम की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये लाइट की फिटिंग अभी कंप्लीट, इसका बैक बम्पर भी नहीं भी लगा। तो जैसे ही ये गाड़ी कंप्लीट होगी इसका फाइनल रिव्यू दूंगा। इस तरफ चलता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे पीछे एक और सिग्नस इस टाइम स्टार्ट हो चुका है काफ़ी वर्क उसका, और ये गाड़ी कंप्लीट रेडी की जा रही है 2023 के अंदर। इसकी साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं कंप्लीट, इसके ऊपर अभी ये मार्किंग की गई है मेजरमेंट के साथ, इसके ऊपर वर्किंग होगी और इसकी ये क्वार्टर फेंडर इसका बनाया जाएगा, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। उसके साथ ये एक गाड़ी डेंटिंग प्रोसेस से कंप्लीट हुई, तो इस प्रोसेस पे आई पुटीन वर्क पे आई। अब पुटीन वर्क के बाद इसके ऊपर पेंट किया जाएगा, इसके अंदर इसका कंप्लीट डैशबोर्ड चेंज किया जाएगा और साइड प्रोफाइल इसकी कंप्लीट जो है वो रेडी है। उसके बाद मैं चलता हूँ तो इस गाड़ी की तरफ, ये गाड़ी आप देख सकते हैं ये कंप्लीट गाड़ी, कंप्लीट जो है वो भी 2023 के अंदर हमने इसको चेंज किया है। और इसका इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, जिस तरह हमने पहली गाड़ियाँ मैंने आपको दिखाई हैं सेम उसी तरह इसको भी 2023 जो है वो बनाया गया। इसके भी अलॉय रिम न्यू मॉडल के इंस्टॉल्ड होंगे और इसका इंटीरियर का काम किया जा रहा है और एक्सटीरियर के अंदर इसके साइड मिरर भी इंस्टॉल्ड हो गए हैं। अभी इसके कवर लगेंगे, उसके बाद इसका बोनट इसके ऊपर भी इंस्टॉल्ड होना है और अभी इस गाड़ी के ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट है। और दूसरा मैं आपको एक्सटेंडेड अपनी गाड़ी दिखाता हूँ, कन्वर्जन का काम तो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। अब एक एक्सटेंडेड हमारे पास गाड़ी आई हुई है, इसका काम भी अभी हाफ भी नहीं अभी हुआ, थोड़ा सा इसका प्रोसेस हुआ है। इसका जो बिफोर का रिव्यू है वो चल रहा होगा,
वो आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी की किस कितनी बुरी कंडीशन के साथ, एक बुरी कंडीशन थी इस गाड़ी की और काफ़ी हाई टच हुई थी ये गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी और कंप्लीट इसको जो है अभी रेडी किया जाएगा। इसका भी मैं फाइनल रिव्यू आपको लास्ट भी दूंगा। ये हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, ये कंप्लीट इसकी वायरिंग करेंगे इस गाड़ी की। तुम कैसे हैं आप? ठीक है नईम भाई? नईम भाई मुझे बताएं, ये क्या इसमें क्या नया काम कर रहे हैं आप? भाई ये काम ये है कि ये ऑटो कर रहे हैं, ऑटो ट्रंक। अच्छा, इसका ट्रंक ऑटो कर रहे हैं आप? तो इसके अंदर ऑटो ट्रंक मतलब कि पहले तो नहीं इंस्टॉल हो रहा था? पहले नहीं हो रहा, ऑटो ट्रंक चलेगा इसके अंदर, मतलब सिग्नस के अंदर आप ऑटो ट्रंक चलाएंगे? क्या बात है। अच्छा, यानी कि सिग्नस के अंदर आप ऑटो ट्रंक जो है वो ऑपरेट करके देंगे। चलें फिर इसका रिव्यू आपने मुझे लाजमी देना जब ये फाइनलाइज हो जाएगी गाड़ी, तो फिर इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे कि जो इसके ऊपर वर्किंग हो रही है ऑटो ट्रंक इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल हो रहा है और इस गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड भी इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, इसकी वायरिंग का काम चल रहा है और काफ़ी इसका प्रोसेस है अभी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कीलेस एंट्री भी इसके अंदर इंस्टॉल होगी जो कि हर गाड़ी के अंदर की जाती है। वर्कशॉप का मैं टूर बना रहा था तो यहाँ पे कस्टमर भी आ गए हैं जिनकी ये गाड़ी है, मैं उनसे बात करता हूँ, वही आपको बताएंगे। मैंने तो आपको अपना ओपिनियन बता दिया कि इस गाड़ी के साथ क्या सूरत हाल थी, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी सर, आपका गुड नेम? रईस नेम है। अच्छा रईस भाई, मुझे ये बताएं कि ये क्या इसकी सूरत हाल है, जो आपकी गाड़ी पहले आपने कहीं दी और आपको सेटिस्फाई नहीं हुई, जरा खुद ही ये जी हम पहले लेके गए ऑटो लेवल पे, तो उनकी बस कुछ डील हमें कुछ बातों में उनकी था, ठीक है, तो हमने फिर उनसे उन्होंने ये गाड़ी खोल ली थी, ठीक है, बम्पर शम्पर ये खोल लिया था, ठीक है, रात 9 बजे जो उनसे हमने गाड़ी वापस ले ली है, ठीक है, तो फिर ये हाजी साहब से बात हुई थी तो हमें कुछ सेटिस्फेक्शन, इनका हमने काम देखा है तो बड़ा जबरदस्त काम था, तो हम अभी ये कल लेके आए गाड़ी, इधर कल रात परसों रात को दी है, तो अभी ये इंशाल्लाह ताला आज रेडी हो जाएगी, ठीक है, तो अभी तक तो ये काम बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं, बाकी तो अभी इसकी कंप्लीट फिनिशिंग होएगी तो फिर पता चलेगा, बाकी इनका ओवरऑल जो है ना वो बहुत अच्छा काम। अच्छा मतलब आप किसी इदारे में गए हैं अपनी गाड़ी लेकर और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई आपकी? अच्छा अब आपकी, चलें उनको तो छोड़े, अब आप यहाँ पे आए हैं अपनी गाड़ी हमारे हैंडओवर की, एक ट्रस्ट करके की और एक काम को देखा आपने, ठीक है, अभी तक अभी आपकी गाड़ी 50% काम हुआ, अभी 50% रह गया गाड़ी का काम, ठीक है, ठीक है, अब आपके जो जो आपने सोचा था उसके मुताबिक अभी तक काम हुआ है, ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फाइनल रिव्यू भी आपका लेंगे, रईस भाई का फाइनल रिव्यू भी लेंगे, वो फाइनल रिव्यू में भी आपको बताएंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स इसी तरह मैं आपको इंशाल्लाह जैसे ये गाड़ी फाइनलाइज होती है उसी तरह मैं आपको इंशाल्लाह जैसे ये गाड़ी फाइनलाइज होगी तो मैं आपको इसका जो काम है वो दिखाऊंगा, फाइनल रिव्यू भी दूंगा और वर्कशॉप के टूर आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और अगर आपने अभी तक हरम ऑटो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें। मिलता हूँ इंशाल्लाह एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और कमेंट सेक्शन लाजमी किया करें ताकि हम आप सबके सजेशन को लेकर अपनी वीडियो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट ला सकें। मिलता हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।